हेलो गाइज, मेरा नाम मंजूर आलम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ नोंगरियाड विलेज, जो कि यहाँ भी फेमस है। ये आपका डबल टेकर रूट ब्रिज, जो कि नहायत बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जो गाज का जो शोर है, वो शोर से पूरा ब्रिज बना हुआ है। ये डबल टेकर सामने देख सकते हैं कि ऊपर में है और ये डाउन में है। तो यहाँ तक आने के लिए आपको 3500 स्टेप पूरा डाउन में उतरना पड़ेगा और ये है 3 किलोमीटर्स। आपको पैदल आना है, कोई गाड़ी नहीं आ सकता, आपको खुद चल के आना पड़ेगा। और बीच बीच में रास्ते में बहुत एडवेंचर कुछ ऐसा सब ब्रिज है जो आपका देखने के लिए मिलेगा। हैंगिंग ब्रिज, रिवर फॉल्स, ये सब बहुत सारा है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, बीच से कट मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक मेरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। तभी आपको यहाँ तक पहुँचने का रोड और सही तरीका भी मालूम हो जाएगा। और यहाँ का एक चीज़ कंपलसरी है, यहाँ का लोकल गाइड आपको तो लेना ही पड़ेगा। जब तक लोकल गाइड नहीं लेंगे दोस्तों, आपको रोड का पता नहीं चलता है यहाँ पर, क्योंकि रोड बहुत सारा है, कहाँ कहाँ से जाना है। इसीलिए आपको टाइम लगेगा अगर ऐसे आएंगे तो, इसलिए लोकल गाइड यहाँ लेना पड़ता है, जो कि है लोकल गाइड का आपको 700 है। इसलिए आपको लोकल गाइड लेके आना पड़ता है यहाँ सेफली। और यहाँ पर होम स्टे भी है, बहुत सारा रहने के जगह भी है, कोई भी परेशानी नहीं होगा। आपको यहाँ पर आके रुक सकते हैं और यहाँ पर खाना पीना भी, खाने के लिए भी कोई भी दिक्कत नहीं, खा सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं, इसमें बहुत सारा मछली भी है, सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत सारा इसमें मछली भी है, फिश, क्योंकि रोहू माछ को बोलते हैं, बहुत सारा है। बहुत बहुत ही खूबसूरत है। और मेरे वीडियो को प्लीज़ पूरा फुल वॉच कीजिएगा, अभी आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे नए नए वीडियो में आप तक पहुंचाता रहूं दोस्तों। जैसे कि हमारे सामने देख सकते हैं फ्रेंड लोग है, जो कि आए हैं अभी नागालैंड से। हेलो, तभी press the bell icon. Thank you. Thank you, thank you. Love nature, peace. आके थक चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा अभी मैगी खा रहे हैं, मैं भी खाया। बहुत ही खूबसूरत। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं और प्लीज बीच से स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वीडियो देखिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। ओके, लेट्स गो। ये एरिया का नाम है मोकोडॉक व्यू पॉइंट और यहाँ पर जीप लाइलिंग भी होता है इस पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी तक जाने के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत एडवेंचर है। तो चलिए आगे और लेके चलते हैं आपको। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अभी हम पहुँच चुके हैं लुंगसफी विलेज और यहाँ से जाना है डबल टेकर रूट ब्रिज। गाइस यहाँ से है 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, 3500 स्टेप डाउन में उतरना है। तो चलिए आगे मैं और आपको बोर्ड का पिक्चर भी दिखा देता हूँ। इस देख सकते हैं यहाँ से सब आना है, यहाँ पर पार्किंग वर्किंग करना है, यहाँ पार्किंग करके फिर यहाँ से स्टार्ट करके फिर नीचे जाना है। और ये सामने देख सकते हैं आप बोर्ड सब है यहाँ का, मतलब ये लोकल है, लोकल गाइड यहाँ का कंपलसरी है, वो लेना ही पड़ता है यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो आगे और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे गाइस सामने देख सकते हैं बोर्ड, मेघालय टूरिज्म वेलकम टू यू लिविंग रूट ब्रिज। और यहाँ देख सकते हैं आप लिविंग रूट ब्रिज डबल टेकर रूट 3 किलोमीटर। ये सामने देख सकते हैं 5 बजे को बंद हो जाता है, लास्ट डेट इसका टाइम 5 बजे। जैसे ये बोर्ड में हम देख सकते हैं सिंगल टेकर भी है, डबल टेकर भी है, अभी तो फिलहाल डबल टेकर तक जाएंगे। बहुत बढ़िया ब्रिज है, रूट्स ब्रिज।
और डबल टेकर से आगे जाएंगे तो रेनबो फॉल्स भी है, तो वहाँ से डबल टेकर से आगे जाएंगे तो 2 किलोमीटर रेनबो फॉल्स है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 3 किलोमीटर जाना है पैदल, तो देखते हैं आगे चल के क्या क्या है आगे। आगे और भी आप सबको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ बने रहे लास्ट तक। चलिए गाइस, इसे देख सकते हैं, ऐसे स्टेप करके उतरना पड़ेगा, 3500 स्टेप पूरा डाउन में जाना है। आज का वीडियो ब्लॉग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, प्लीज़ बने रहिएगा लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ गाइस। इस विलेज का देख सकते हैं फ्लावर्स कितनी खूबसूरत है, और यहाँ से देख सकते हैं आप कितनी मस्त व्यू है। देख सकते हैं बच्चे लोग पूरा उसकी स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं, अभी जाएंगे स्कूल। हमारे साथ लोकल गाइड यहाँ का, जैसे कि देख सकते हैं रोड कुछ इस तरह से है, और यहाँ से पूरा डाउन डाउन पूरा डाउन में, जैसे सामने देख सकते हैं पूरा डाउन में जाना है। तो चलते हैं, जो भी आना है यहाँ, लेकिन ये स्टेप ऐसा है कि थोड़ा बच के चलना पड़ता है। मैं तो थोड़ा सा स्पीड भाग रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, इसीलिए चलिए आगे और भी कुछ दिखाता हूँ मैं आप सबको। गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। जैसे गाइस देख सकते हैं सिंगल ट्रेकर यहाँ से 3 मिनट्स ओनली है, यहाँ से 3 मिनट, लेकिन फिलहाल अभी हम जा रहे हैं डबल ट्रेकर रूट ब्रिज। ओके गाइस, तो बने रहिएगा लास्ट तक, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से 3 मिनट्स टू रीच, लेकिन अभी हम फिलहाल अभी जाएंगे डबल टेकर, जो कि यहाँ से और है 1.5 किलो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक आ गया हूँ, पूरा पसीना पसीना हो गया है क्योंकि रोड ही ऐसा है। तो यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा विलेज है, इतना डाउन में भी इतना विलेज, यहाँ पर वहाँ से थोड़ा बात करते हैं। माँ ये है, इधर से जाएगा ना डबल टेकर, कितना किलोमीटर यहाँ से? 9 किलोमीटर। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पहुँच चुके हैं हैंगिंग ब्रिज रिवर के पास, बहुत ही खूबसूरत ये भी है, रिवर। आपको एक चीज़ मैं दिखा देना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ रहना पसंद है तो सामने इस बोर्ड में नंबर भी है, देख सकते हैं रिवर साइड होम स्टे एंड कैंपिंग, यहाँ पर होता है कैंपिंग होता है, होम स्टे भी है, और सामने जो नंबर गाइस देख सकते हैं नंबर भी इसमें से आप निकाल सकते हैं कभी आपको आना हुआ यहाँ पर तो। ठीक है गाइस, प्लीज़ वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, डोंट स्किप माई वीडियो प्लीज़ दोस्तों। तो आगे और चलते हैं, ये देख सकते हैं हैंगिंग ब्रिज, सो एक्साइटेड, ये तो बहुत जाने में भी थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ये सामने देख सकते हैं रिवर। अभी दोस्तों क्या है ना कि इसमें अभी पानी नहीं है, तो इस महीने में दिसंबर जनवरी फरवरी लास्ट मार्च तक जो यहाँ पर बारिश नहीं होता है, इसलिए सारा फॉल्स में जो है पानी अभी बिल्कुल कम रहता है। अप्रैल महीने से स्टार्ट होता है, लास्ट अक्टूबर तक चलता है, एकदम फुल वाटरफॉल्स भी देखने के लिए मिलता है। फिलहाल थोड़ा सा सूखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ का व्यू जो है व्यू बहुत ही खूबसूरत है। सामने देख सकते हैं ये फॉरेस्ट टाइप का है सारा ये जंगल, इसे देख सकते हैं। अभी तो जाएंगे इस हैंगिंग ब्रिज, और ये जो ब्रिज है पूरा हिलने वाला ब्रिज है गाइज, आप देख सकते हैं कैसे हिल रहा है। ओके गाइज, चलिए चलिए चलिए, और भी आगे बहुत सारा है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। प्लीज़ दोस्तों, आप
अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए नए नए वीडियो देखने के लिए। गाइस अभी तो ब्रिज हिल रहा है लेकिन इसलिए थोड़ा सा स्लो ही चलूँगा मैं, क्योंकि डर सा डर भी लग रहा है दोस्तों। आप भी आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, मेरा पैर तो पूरा है, एकदम काम नहीं कर रहा है, इतना डाउन डाउन आना है। लेकिन दोस्तों छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप सबको दिखाना है दोस्तों, इसलिए मैं तो जाऊँगा ही। अभी लास्ट है, ये ब्रिज तो क्रॉस कर लिए हैं और आगे चल के देखते हैं। गाइस गाइस मैं पूरा एकदम हालत खराब हो चुका है, सामने देख सकते हैं कितने डाउन से चढ़ चढ़ के आना है। ये तो पूरा क्या ही बोलूं आपको, थोड़ा सा मेहनत है लेकिन वहाँ तक पहुँचने के बाद तो बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। तो आज ओह माय गॉड, बहुत डाउन डाउन से ऑफ में चढ़ना, फिर ऑफ से फिर आना, बहुत एक्साइटेड। चलिए आगे, डोंट वरी, आगे और चलते हैं दोस्तों। और एक हैंगिंग ब्रिज में पहुंचने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक बाप रे, ना चढ़ना है, देख सकते हैं गाइज सामने बोर्ड भी है, वार्निंग डू नॉट हम बोर्ड, देख सकते हैं आप। राइट स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, साथ में लाइक भी जरूर कीजिएगा। ये हैंगिंग ब्रिज, ये पूरा हिल रहा है ब्रिज तो, लेकिन है नेचुरल, बहुत ही खूबसूरत। देख सकते हैं कैसे रॉड जो तो वायर है, वायर से बांध करके ये ब्रिज बनाया गया है। और ये ब्रिज जो है बहुत पुराना ब्रिज है। ओह माय, देख सकते हैं गाइस मस्त। और ये सामने देख सकते हैं रिवर है, वहाँ शायद कोई नहा भी रहा है, कपड़ा तो दिखाई दे रहा है बट आदमी नहीं है, कोई नहा रहा होगा या फिर कपड़ा धुलाई कर रहा है। और ये साइड देखेंगे तो देख सकते हैं इसका पानी का कलर कैसा है, हरा। और वो सामने देख सकते हैं एक फॉल्स भी है, और जूम करके दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सब देख सकते हैं आप। इतना हरा कलर का पानी है इसका, बड़ा बड़ा स्टोन पत्थर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाएंगे। ये ब्रिज तो, ये हैंगिंग ब्रिज है, ये पूरा इसमें लोहा लगा हुआ है, सामने तार से देख लें कैसे गाइड किए हैं सब बांध बांध के। बस ज़्यादा नहीं है दोस्तों, और मुश्किल से 10 मिनट लग सकता है। चलिए आगे, फिर से चढ़ना है, देखिए ना चढ़ना है। और चलिए दोस्तों आगे और चलते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है तेज पत्ता है ये, इसको मीट सब्जी कुछ इसमें भी डाल सकते हैं। गाइस आपको तो पता ही होगा तेज पत्ता क्या है, यहाँ पर तो बहुत सारा इसका पेड़ है जैसे कि देख सकते हैं।
सबने ये काट के रखे हैं सूखने के लिए, जिसे सूखेगा तो सब इस्तेमाल होता है। ये कितने सारा है तेजपत्ता। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये आपका ये भी होता है गरम मसाला, गरम मसाला में दालचीनी, दालचीनी, काला मिर्च, अदरक, हल्दी, बहुत सारा होता है। हल्दी तो और भी अच्छा, देख सकते कितने सारे काट काट के सब रखे हैं यहाँ पर सूखने के लिए। चलिए और आगे गाइस, जैसे देख सकते हैं ये भी एक सिंगल ट्रैकर रूट ब्रिज ही है, बहुत ही नहायत ही खूबसूरत। सामने देख सकते हैं दोस्तों एक चीज़ अब अंदाजा लगाइए, देखे इसका गाछ का जो शोर है उस शोर कैसे गाइड किया है, नीचे शोर जाना, जैसे जैसे हम लोग को क्या होता है कि पिलर देके उस पर खड़ा करते हैं, उसी हिसाब से देखिए ये कैसे सब हुआ है। एक कुदरत का सब खेल है गाइस, देख सकते हैं आप रूट्स ब्रिज। तो चलिए इस पर क्रॉस करते हैं, देख सकते हैं वाओ, देख गाइस कैसे ये सब इतना हार्ड है। गाछ देखिए पूरा पेड़, पेड़ से पूरा बना हुआ है ये ब्रिज गाइस। तो चलिए लेट्स गो। से गाइस देख सकते हैं नोंग्रियाट विलेज पहुंच चुके हैं, और यहाँ से तो सामने ही है रूट ब्रिज। से देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा होम स्टे भी है, यहाँ पर आकर होम स्टे भी कर सकते हैं। और ये है आपका विलेज नोंग्रियाट, नोंग्रियाट विलेज, यहाँ पर बहुत सारा होम स्टे भी है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी फूडिंग या फिर रहने का लॉज कोई भी दिक्कत नहीं है। लोकल पीपल बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्टेड करते हैं टूरिस्ट को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा यहाँ पर रुकने के बाद। सो गाइस और आगे लेके चलते हैं आपको। जैसे देख सकते हैं गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ डबल ट्रैकर ब्रिज के पास, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ब्रिज। और ये सामने जो नीचे देखेंगे तो आपका ये रिवर है, पानी कम है लेकिन बहुत ही खूबसूरत, सामने देख सकते हैं वह रिवर का पानी बह रहा है। इधर पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर एक दुकान भी शॉप भी है यहाँ पर, तो देख सकते हैं डबल टेकर रूट ब्रिज। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर पैदल आना, वो भी इतना डाउन में दोस्तों, मेरा तो पैर पूरा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा यहाँ पर। और जैसे कि देख सकते हैं ये रूट्स का ब्रिज है, जो गाछ का ये जो शोर होता है, शोर से पूरा ब्रिज बना हुआ है। और देख सकते हैं जैसे कि इसका उसका हिसाब से ये बना हुआ है गाइज, आप देख सकते हैं इस ब्रिज को, जैसे हम लोग गार्ड करते हैं साइड साइड में, ये इस शोर का ही ऐसा ऐसा मतलब तार से ऐसा 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 करके बना हुआ है पूरा। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों इतनी खूबसूरत है ये ब्रिज। चलिए और मैं आपको थोड़ा सामने से भी जाके दिखाऊंगा इसका रूट्स कैसे हैं, कैसे बना है, ये सब मैं आपको दिखाने के लिए और उसके ऊपर चल रहा हूँ दोस्तों। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं शोर है लेकिन बहुत ही हार्ड है, ये बहुत ही हार्ड है दोस्तों, हिल भी नहीं रहा है। इतनी खूबसूरत ये प्रकृति का एक हिस्सा है, सामने देख सकते हैं इसे हम लोग, ये है ब्रिज के ऊपर में हूँ, जैसे कि ये देख सकते हैं आप ये कैसे इसको जो है गार्ड किए हैं, ये शोर जो है एक दूसरे से मिलकर, इसके आप देख सकते हैं। वाओ गाइस, अगर मेरी वीडियो को पसंद आए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी साथ में कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगा है। सो आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ लाइक कम से कम मिलना चाहिए 1000, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
ताकि मेरे को वीडियो बनाने में और भी इंटरेस्ट मज़ा आएगा। गाइज आप सबकी सपोर्ट चाहिए मेरे को, इसलिए पूरा बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक। और आगे ऊपर इसके ऊपर वाला जो है वो भी मैं जाके आपको दिखाता हूँ। ये आ गए और नीचे से आए अभी ऊपर, ये सेकंड ब्रिज देख सकते हैं। वाह, ये गाछ का जो शोर है, मैं बता चुका हूँ पहले भी, ये गाछ का शोर से पूरा ब्रिज बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसका पेड़, आज इसका पेड़ ये है, इसका पेड़ इतनी बड़ा पेड़ है और इसी पेड़ से ये ब्रिज बना हुआ है। ये रिवर से जो है क्रॉस, इस रिवर से क्रॉस करने के लिए, उस पार जाने के लिए, देखते हैं कैसा है ये ब्रिज। सो प्लीज़ दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर सपोर्ट ज़रूर कीजिए। जैसे कि दोस्तों मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ से आपका रेनबो फॉल्स दो किलोमीटर आगे जाना है। 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद जो आपके रेनबो फॉल्स मिलेगा, जो इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा, अगले सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए वो रेनबो फॉल्स भी लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, कि सेकंड पार्ट में जो आपको दिखाएंगे रेनबो फॉल्स बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से 2 किलोमीटर जाना है। वीडियो कुछ बहुत बड़ा हो जा रहा था इसीलिए मैंने सेकेंड पार्ट बना दिया। सो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरे को, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।